नमस्कार दोस्तों, ब्लू बेटा ऑटोमोटिव में आपका स्वागत है। आप कैमरा पे देख पा रहे हैं पीसीवी बॉल के ब्रीदर होल पे अगर मैं उंगली रखता हूँ तो वहाँ से लीकेज की आवाज़ आती है। यदि आपका पीसीवी बॉल अच्छा है तो यहाँ से ये वैक्यूम की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब इसके डायफ्राम में लीक बन गया है, जो कि इसके ज़्यादा पुराने होने से भी बन सकता है। इसी बात की पुष्टि करने के लिए हम इसे खोल रहे हैं और इसे चेंज करना बहुत ही आसान है। आप इसे घर पर भी कर सकते हैं। चलिए, अब ये खुल गया है और इसका डायफ्राम देखिए, जिसके अंदर एक छेद हो रखा है, तो ये तो बिल्कुल ख़राब है। और ये नए डायफ्राम की किट मैंने ऑर्डर कर ली है। ये मैं आपको इसीलिए दिखाना चाहता था क्योंकि सिर्फ ये डायफ्राम की किट अगर आप लगा लो तो आपको पूरा का पूरा पीसीवी वॉल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये बताना चाहूँगा कि ऑडी, स्कोडा और वोक्सवैगन 1.8 लीटर TFSI और 2 लीटर दोनों को सेम पीसीवी वॉल लगता है, सेम डायफ्राम आता है, तो आप इसे बिल्कुल लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है, सिर्फ ब्रांड्स के नाम के वजह से जो चीज़ें होती हैं ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, ज़्यादा महंगी होती हैं, तो हम अफोर्डेबल प्राइस में उन्हें तभी ले पाएंगे जब हमें उनकी इन्फॉर्मेशन होगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो आप देख सकें। अब वॉल का लीक फिक्स होने के बाद हमें कोई वैक्यूम की आवाज़ नहीं आनी चाहिए और नहीं आ रही है। ठीक है दोस्तों, अब इजाज़त दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।